Welcome class, one dear student. I am your math teacher. Now we discuss page number 105. Colors, shape, names of shape. First of all, we put date. Saturday, S-A-T-T, आपका S के इक्वल होना चाहिए. U R D की शेप आपके T के इक्वल होना चाहिए. D A Y Day, Saturday, 11th July, J U L Y J L की शेप आपके J के इक्वल होनी चाहिए. Y सीधा 2020 इक्वल शेप में एंड में फुल स्टॉप. सैटरडे के बाद कोमा, 11th जुलाई के बाद कोमा और 2020 के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे आप. नेक्स्ट आपने 1, 2, 3, 4 ब्लॉक स्किप करके आपने लिखना है रिवीजन. आज हम रिवीजन करेंगे नेम्स ऑफ शेप्स की. आर ई वी आई एस आई ओ एन रिवीजन लिखना है आपने. फिर लिखना है क्लास वर्क पेंसिल से वन ब्लॉक स्किप करके. इज वन ब्लॉक स्किप करके होमवर्क. एच की शेप आपकी ऊपर वाले ब्लॉक के साथ टच होनी चाहिए. प्लस की शेप आपकी ऊपर इक्वली टच होनी चाहिए. लर्न. नेक्स्ट है हमारा आपने कंपो यूज़ करना है. नेम्स वन ब्लॉक स्किप करके ऑफ ने वन ब्लॉक स्किप करके शेप्स. नेम्स ऑफ शेप्स, शेप्स लिख रहे हैं. सबसे पहले हमारी शेप नेम है स्क्वायर. एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर. स्क्वायर में आप लोगों ने स्क्वायर बनाना भी है और आपने देखना है कि इसके चारों कोने इक्वल होते हैं, यानी इक्वल लेंथ में होते हैं. ये इक्वल होते हैं. नेक्स्ट हमारा होगा रेक्टेंगल. R E C T A N G L E रेक्टेंगल. रेक्टेंगल जो हमारा होता है इसकी शेप्स आपके दो टू साइड्स इक्वल होती हैं दोनों साइड, लेकिन ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. आप ये याद रखिएगा कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. जैसे कि हमारी ये इक्वल है और ये इक्वल है. आप लोग क्या करेंगे इसके लिए टू ब्लॉक्स यूज़ करेंगे. वन ब्लॉक पे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और नेक्स्ट ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा. नेक्स्ट हमारा जो होगा वो है ट्रायंगल. थर्ड वन है हमारा ट्रायंगल. टी आर आई ट्राई ए एन जी एल ई ट्रायंगल. ट्रायंगल, ट्रायंगल की शेप आपकी याद रखिएगा कि इसके तीन सिरे होते हैं, यानी थ्री साइड्स होती हैं. जैसे कि ये 1, 2 एंड 3 इसकी ये टू साइड्स इक्वल होती हैं और ये साइड होती है ये इक्वल से ज़्यादा होती हैं. जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि अब आप टू ब्लॉक्स इसके लिए टू ब्लॉक्स यूज़ करें कि इक्वल का ये ड्रॉ, मतलब कि यहाँ एक डॉट लगाएंगे, नेक्स्ट यहाँ डॉट लगाएंगे और यहाँ डॉट लगाएंगे. डॉट लगाने के बाद इन डॉट्स को आपस में एक ऐसे ही मिला देंगे. जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास ये ट्राइंगल की शेप आ जाएगी बहुत ही खूबसूरत किस्म की. नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ वन है वो है हमारा सर्कल. सी आई आर सी एल ई सर्कल. सर्कल मीन मतलब गोल. गोल शेप में जो भी चीज़ होती है वो होती है सर्कल. जैसे कि हम सर्कल को ड्रॉ करना बहुत ही इजी है. आप किसी भी सर्कल चीज़ को लेकर ड्रॉ कर सकते हैं. अगर आपके पास सर्कल ना हो तो आप एक ब्लॉक का एक रखें कि हमारे पास एक ब्लॉक है, तो हम एक ब्लॉक में ऐसे ही गोल बना देंगे तो ये हमारे पास बहुत ही नीट एक्यूरेट सर्कल बन जाएगा. नेक्स्ट हमारा फिफ्थ वन है ओवल. ओ वी ए एल ओवल. ओवल की जो शेप होती है, ओवल की शेप एग शेप में होता है, यानी ओवल एग शेप में भी होता है. जैसे कि एग की एक शेप होती है कि इस जैसे ऐसे सीधा, और ये हमारे पास ओवल होता है. एग शेप में जो होता है वो ओवल होता है. यहाँ भी मैंने मेंशन किया हुआ है ये भी ओवल की ही शेप है. बहुत ही नीट एक्यूरेट में सीधी बनाकर इसे थोड़ा सा सर्कल में लेकर फिर आप इसे ऐसे कर देंगे, ये हमारे पास नीट एक्यूरेट ओवल बन जाएगा. ओवल की शेप बहुत अच्छी और नीट होती है, होनी चाहिए. आपने ये जो शेप्स नेम है सर्कल, रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ओवल, आपने बहुत ही नीट और एक्यूरेट राइटिंग में लिखना है. और आपने इसकी शेप्स भी बहुत अच्छी बनानी है. एक्यूरेट राइटिंग में शेप्स होनी चाहिए बहुत ही नीट नीट. कंपोज यूज़ कीजिएगा. सो स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.